खबरों के साथ। सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करती है और निष्पक्षता का दावा करती है, पर उसके दावों में कितना दम है इससे दिल्ली के मायापुरी में देखा जा सकता है। देश में एक ओर बड़ी संख्या में अवैध मजारे बन रही है, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान उस ओर नहीं है, जबकि जमीन पर अवैध कब्जा करके मजारों को बनाने की समस्या देशव्यापी समस्या बन गई है। इन समस्याओं पर ध्यान देने की जगह शासन प्रशासन हिंदू मंदिरों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने दिल्ली के मायापुरी में एक प्राचीन काली माता मंदिर को तोड़ दिया, और बता दें कि निगम कर्मियों ने पहले शुरुआत में लोहे की छेनी से तोड़ा, फिर हथौड़े से मंदिर की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। इसके बाद प्रशासन ने 3 बुलडोजर्स मंगवाए और इन बुलडोजर की मदद से मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर तोड़ने की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की लोक निर्माण विभाग ने की है। बता दें कि 55 साल पुराने काली माता मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और प्रशासन की निष्पक्षता पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि 55 साल पुराने मंदिर पर लोगों की आस्थाओं पर बुलडोजर चला दिया गया और इसके बाद प्रशासन ने 55 साल पुराने मंदिर को बुरी तरह से बुलडोजर से तोड़ दिया। और आपको बता दें कि निष्पक्षता का दावा करती है जो सरकार, अब उसने अवैध मजारों पर बुलडोजर ना चलाने की बजाय अब इस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नीतीश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी। तो इसी के साथ नीतीश जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से दिल्ली में इतनी अवैध मजारे हैं, लेकिन मंदिर को ही क्यों तोड़ा जा रहा है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। माननीय न्यायालय का ये जो फैसला है, ये पालन इसका मानना, पालना पालन करना कि हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी और हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार इस मंदिर का मंदिर को तोड़ा गया, डिमोलिश करा गया। उसके पीछे कई सारी वजह है, वहां के लोकल इंडस्ट्रीज थे जिनको आने जाने में तमाम समस्याएं थी, जिन्होंने अपनी समस्या माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था। उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने एक आदेश सुनाया जिसको हम पालन कर रहे हैं। और इसकी बात अन्य धर्मों की, अन्य मंदिर मस्जिद और मजार तमाम तरह की बात है। देखिए, जिस प्रकार से इस अवैध तरीके से चाहे कोई भी चीज हो, अगर आम जनजीवन में वो बाधा फैलाती है, और आने वाले जैसे समय में आप देखेंगे, चाहे सरकार उस पर ध्यान दे या माननीय न्यायालय की तरफ से अगर हमें जैसे आदेश मिलेंगे उस पर भी तमाम तरह की कार्रवाई होंगी, इसमें आपको कोई दो मत नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि ये आदेश माननीय न्यायालय का है, हमें पालन करने के लिए हम नीतीश जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोगों को नोटिस मिलेगा हम उस हिसाब से अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मजार है उस पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट से भी नोटिस आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे बिल्कुल बात नहीं है, जब यहाँ भी न्यायालय की ऐसी बात है क्योंकि नोटिस आ चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदू मंदिरों पर कार्रवाई की जा रही है। ये आपका अपना पैरामीटर हो सकता है, माफ करिएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार चाहे कोई भी किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक पक्ष काम करती है। अगर किसी को दिक्कत होती है, किसी की परेशानी है, सरकार उसके साथ खड़ी है और उस समस्या का समाधान निकालने, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? पहले भावनाओं का सम्मान करना है, सबके भावनाओं के साथ खड़े होना है। किसी की भावना को आहत पहुंचाने का सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है। नीतीश जी मेरे को बस आपसे यही जानना था, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका नोटिस जारी कर दिया था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मजार है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई बुलडोजर चलाया गया है। और अवैध बता दें कि लैंड जिहाद से भी जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है? आपके द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, मैं इसके बारे में संज्ञान लेता हूँ और जो भी उचित कार्रवाई है हम उस पर कराने के लिए कटिबद्ध है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और इस मामले को लेकर क्या आप केजरीवाल जी से भी बात करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी खुद अपने आप को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त कहते हैं और उसके बाद हम लोगों को ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती है?
बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि इस बारे में मुझे आपके द्वारा जानकारी मिली है, इसके बारे में अधिक जानकारी मैं आपको अपडेट लेने के बाद जो भी उचित कार्रवाई है वो करके उसको संपन्न करेंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर हम समझ लेते हैं कि आप इस बात को लेकर केजरीवाल जी से बात करेंगे तो हम कितना अंदाजा लगा ले कि कितने लगभग दिनों में आप ये कार्रवाई करेंगे? मैं आपको आश्वस्त करूंगा, सबसे पहले आपके चैनल के बाद चैनल से ही इसके सूचना दूंगा जिससे कि आप भी अपने दर्शकों को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की नजर इस पूरे मामले पर ही बनी हुई है, क्योंकि अवैध मजारों पर, लैंड जिहाद पर, मजार जिहाद पर कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी जाती, और उसके बाद जब मामला सुनाई देता है कि मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, और इससे पहले भी दिल्ली में एक मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया था। देखिए, इससे पहले भी कई मंदिरों पर बुलडोजर चले हैं, एमसीडी के द्वारा चले हैं, पिछले 15 साल में भाजपा और अन्य पार्टी के शासन में भी चले हैं, और सिर्फ मंदिरों पर ही नहीं मजारों पर भी चले हैं, अन्य और भी ऐसी धार्मिक संस्थाओं पर, धार्मिक स्थानों पर चले हैं। तो इसके अनेकों पैरामीटर है, अनेकों सबके अपने अपने समय में, देखिए विभाग अपनी कार्रवाई करती है, माननीय न्यायालय के देखो ऐसे आदेश आ जाते हैं उसमें कार्रवाई करनी ही पड़ती है, प्लस वहाँ की स्थानीय मेजोरिटी क्या है, किस तरीके की भावना है, क्या कौन किसके पक्ष में है, ये सभी मायने देखने के बाद ही सब चीजें तय करी जाती है। तो इसलिए एक तरफा ये कह देना कि हम एक किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, समाज में किसका अच्छा मैसेज नहीं जाता, हम बिल्कुल ऐसे किसी भी प्रकार की कार्रवाई के बिल्कुल खिलाफ है, और हम सबके सबके लिए समान और समान काम करने के लिए कटिबद्ध है। जी बिल्कुल, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी कि आप कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बीजेपी से अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद निशु बाटे जी। जी अवधेश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब मामला सामने आ रहा है, 55 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, लोगों की आस्थाओं पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो इस पर बीजेपी अब क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ इस पर प्रदर्शन किया जाएगा, या फिर इसको रोकथाम के लिए कोई आंदोलन होने वाला है? देखिए निशु जी, मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान करते हुए आए हैं, हम औरों की तरह नहीं है, जो और राजनीतिक दल है जो माननीय न्यायालय के जो आदेश होते हैं उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो ये तो फर्क रहा भाजपा में और अन्य दलों में। दूसरी बात रही मंदिर की बात, तो देखिए जो कोर्ट ने आदेश दिया तो सम्मान तो कर ही रहे हम, लेकिन इसके लिए हम जरूर चैलेंज करेंगे, और हिंदू आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है दिल्ली में, जो हो रहा है, जो केजरीवाल सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम जरूर प्रदर्शन करेंगे, जरूर सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि एक बार बताइए, हर किसी के साथ कोई ना कोई दल जुड़ा हुआ है, अगर हिंदुओं के साथ कोई दल क्यों नहीं है भाजपा के अलावा? राहुल गांधी है, वो विदेश जाता है, वो भी हिंदुत्व का अपमान करता है, हिंदुस्तान की संस्कृति को तार तार करता है विदेश में जाकर। केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो खुले मंचों से देवी देवताओं का अपमान करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, आपने देखा होगा पीछे, अभी 6 महीने नहीं हुए हैं जी, आपको याद होगा इन्हीं के मंत्री ने कहा था भगवान गणेश जी के लिए कितने अपमान शब्दों का प्रयोग किया था, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, ये अभी कह रहे थे कि हम जो है ऐसा नहीं मानते, हम सबको बराबर मानते। अरे भाई एक बात बताइए, राजघाट के पास सिंचाई विभाग की जमीन पड़ी हुई है, निशु जी इनको समझाइएगा, सुन रहे हो तो इनको पूछिएगा, वहां पर सिंचाई विभाग की जमीन पड़ी हुई है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, उसमें कम से कम 30 से 32 मजारे बनी हुई है, अवैध मजारे बनी हुई है, कब टूटेंगी वो पूछिएगा इनसे, कब तोड़वाएंगे, उसे छोड़िए, आप हौज रानी में जो है ग्रीन लैंड है, वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सोमनाथ भारती, उनके गुरुओं द्वारा वहां कब्जा किया गया है, वहां भी मजारे बनाई गई हैं, वो कब टूटेंगे पूछिएगा इनसे, और जबकि बहुत सी मजारों पर, बहुत सी जो अवैध मजार बनी हुई है रोड पर, उनके जो उनके लिए भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उन पर तो कोई आज तक एक्शन नहीं लिया गया केजरीवाल सरकार द्वारा। और ये काली माता के मंदिर जो 50 साल पुराना है, हिंदू आस्था से अपना वास्ता रखता है, उसको एकदम आपका ऑर्डर आया, आदेश आया, आपने तुरंत तोड़वा दिया, उसको तोड़वाने का आदेश दे दिए, तो ये कहीं ना कहीं इनकी ये दिखाता है, इनकी राजनीति का ये असर दिखाता है, केजरीवाल सरकार जो है पूर्ण रूप से एक विशेष समुदाय के वर्ग को वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकती है दिल्ली में। जी अवधेश जी, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी जो मजार है उस पर नोटिस आ चुका है दिल्ली हाई कोर्ट का, लेकिन उसके बाद भी उस मजार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई बुलडोजर चलाया गया, लेकिन हिंदू मंदिरों पर टारगेट किया जा रहा है, सीधे तौर पर देखा जा रहा है, और इससे पहले भी दिल्ली में एक और मंदिर पर कार्रवाई की गई थी।
वही मिशु जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो केवल सेकुलर का चोला ओढ़कर, भाईचारे का ढोंग दिखाकर जो है केवल केवल वोट बटोरने की राजनीति करते हैं जी। और जब से ये सरकार दिल्ली में आई है, केजरीवाल सरकार, तब से दिल्ली को पूरी तरह से उन्होंने नरक बना दिया है। मैं बताऊं आपको, एक अखलाक मरता है तो ये केजरीवाल उसके दौड़े दौड़े दादरी तक जाते हैं, उसको पैसे देकर आते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन नहीं हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए साक्षी की जो हत्या की गई है, उसमें तो केजरीवाल साहब उसके घर नहीं गए। क्यों? उसे उसके घर वालों को तो कोई इन्होंने सहायता नहीं दी केजरीवाल जी ने जाकर। लेकिन यदि आपने सुना होगा, पहले अखलाक जब मारा गया था, अखलाक जो मरा था, उसे घर तक दौड़े दौड़े गए थे। दिल्ली से कितना दूर है दादरी, और साक्षी का घर कितना दूर है केजरीवाल जी के घर से, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। आप जो दर्शक देख रहे हैं वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल सरकार की मंशा क्या है जी। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, केजरीवाल जी अपने आप को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त कहते हैं, और उसके बाद हम लोग तस्वीरें कुछ ऐसे देखते हैं कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं बेधड़क होकर। निशु जी, केजरीवाल साहब हनुमान जी के भक्त नहीं, केजरीवाल साहब वो काल नेमी राक्षस है। आपने रामायण में देखा होगा, एक पात्र था काल नेमी राक्षस का, मुंह में राम बगल में छुरी। वो हाल दिल्ली में जो राज कर रहे हैं केजरीवाल जी, वो उनका हाल है, मुंह में राम है बगल में छुरी है। कभी कहते हैं कि मेरी नानी कहती थी कि मंदिर मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, वो मंदिर भगवान राम मेरे ऐसे नहीं थे। और कभी खुद ही जो है वोटों की खातिर लोगों को दिल्ली से वहां दर्शन कराने भेजते हैं। ये तो एक बहरूपिया आदमी है। काल नेमी जो है आपने देखा होगा, और जो दर्शक देख रहे हैं आपके साथ, उन्होंने भी देखा होगा काल नेमी का जो रामायण में, वो बिल्कुल फिट बैठता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अवधेश जी, क्या आप अब इस मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर आंदोलन करेंगे या नहीं? लास्ट क्वेश्चन आपके जी। निशु जी, बिल्कुल, इसमें हम जो है, पहले तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें जो है, जब ऐसा होता है कभी कभी जो आदेश आता है कोर्ट का, अगर सही है तो सही है, अगर गलत भी है तो हम उसका जो है चैलेंज करेंगे, चैलेंज करवाएंगे अपनी लीगल टीम के द्वारा। ठीक है, और जो भी रहेगा हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, दिल्ली में नहीं, बिल्कुल देश में कहीं भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ नीतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में तमाम बातें कहने के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बालासोर रेल हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है, और इसी के साथ वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है, और पूर्व जज की अध्यक्षता में ये पूरी जांच आयोग बनाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधा ओडिशा रेल हादसे से जुड़ी हुई है, जहां पर ओडिशा रेल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये PIL हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की गई है। हाल ही में जो ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, तो उसको लेकर ट्रेन एक्सीडेंट्स जो अभी तक होते आए हैं हमारे देश में, काफी दुखद रहे हैं, और एक रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम, ऐसा सिस्टम लगाने की जरूरत है जिससे कि फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो। तो हमारी प्रेयर उसमें यही है कि एक एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हो, जिसमें टेक्निकल मेंबर्स हो, एंड विच शैल बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यह कमिटी अपनी रिकमेंडेशंस, अपने सजेशंस देगी कि फ्यूचर में क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है। की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1200 रेल हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है, वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है। सबकी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1200 रेल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है, और वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल करी है, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या इस याचिका को दाखिल किया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वकील विशाल तिवारी ने इस मामले को लेकर बता दी कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, और इसके बाद अब इस मामले में क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है, वकील विशाल तिवारी ने दाखिल किया याचिका, पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग मीटिंग बैठाने की बात कही गई है। बालासोर रेल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधा ओडिशा रेल हादसे से जुड़ी हुई है। इस
वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बालासोर रेल हादसे से जुड़ा एक मामला सामने आया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर विशाल तिवारी ने जो एडवोकेट है पेशे से, उन्होंने याचिका दायर कराई है, और जिसके बाद अब इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका को दाखिल किया है। पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने की मांग कर दी गई है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर योगी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला उन्नाव के हसनगंज तहसील के तहत आने वाले गांव के किसानों से संबंधित है। पहला मामला तालासराय निवासी भगाना का है, जिसमें जमीन कौराय ग्राम पंचायत का है, जिसकी बता दें कि पैमाइश के लिए इन्होंने धारा 24 का मुकदमा कोर्ट में डाला था, जिसको करीब एक साल हो चुका है और पूर्व योजित भी किया जा चुका है, और किसान ने बता दें कि पैमाइसेज की सरकार फीस भी जमा कर दी है और अब उस पर कानूनगो लेखपाल की आख्या लगा दी जाएगी। और इसके साथ आख्या लगाने के एवज में कानूनगो ने पीड़ित किसान भगाना से 10,000 रुपए की मांग की है, और बताया जा रहा है कि पैसों का इंतजाम ना हो जाए, तहसील में दिखाई मत देना, गरीब भगाना 10,000 रुपए की व्यवस्था कर पाने में सक्षम नहीं था, जिसके चलते पीड़ित ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये हमारी माता जी है, हमने हाथ लगा मुकदमा डाला था, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, काफी दिन हो गए हैं, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। कानून को 10,000 रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं खर्चा लगता है, अगर पैसे हैं तो आप पहले व्यवस्था बनाओ, फिर उसके बाद हम आपका फरमाइश करेंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है। ये है जो भी रोड खिलाए तो लेखपाल एक बार नापी 20,000 लेके, वही रोड की जमीन करी 16 फुट, तो अब मांगे 20,000 रुपए, जब नहीं 20,000 दी तो उल्टा नाप दिए 16 फुट में आखो फुट नहीं बची। हाँ शिकायत की, यहाँ जिला अधिकारी, हम विजय बोल रहे हैं शेखोपुर से, हम जो है जमीन खरीदा था वो 5 लोग, और इसमें लेखपाल साहब ने 2,000 रुपए मांगा, हम लोग सब लोग मिलके 10,000 रुपए दे दिया, उसके बाद लेखपाल साहब ने बोल रहे हैं हमको 20,000 रुपए और दो, तो फिर भी जमीन नापने के लिए तैयार नहीं है। ये खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और पति पर हत्या का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के अरनिया मौजपुर का मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब सनसनी में बदल चुका है। बुलंदशहर में बड़ी खबर सामने आई, जहां पर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, पति पर हत्या का आरोप लगा है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के अरनिया मौजपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो कल करीबन 3 बजे आयो, अच्छा, फिर उसने यहाँ खाना वाना खाया, खूब बढ़िया आराम से सोए, उसके बाद में रात को 12 बजे तक खूब बोले बतराए, उसके बाद में सो गए। सुबह को देखो मैंने 4 बजे से मैं काम पे हूँ, बालक जगाए तो उसमें ये मतलब परवेश तो वहाँ हो नहीं, लड़की मरी पड़ी। अच्छा, परवेश फरार हो गया, फरार हो गया, कैसे मारा, किस चीज से, ये नहीं पता जी मुझे, कहीं कोई निशान? हाँ निशान है, गला दबा के मारी है। अगली खबर यूपी के आगरा से है, जहां शाहगंज बाजार में ई रिक्शा चालक और साइकिल सवार में टकराने को लेकर झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसमें साइकिल सवार घायल हो गया। वहीं पीड़ित ने चौकी पहुंचकर आप बीती सुनाई, तो वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसके आरोपों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अब वायरल कर दिया है।
खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि गेट बंद कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की, जिसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग युवक पर ईंट पत्थर से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर आगरा में ताजमहल पर नियमों के टूटने का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक ताजमहल में कर्मचारी दिव्यांगों की व्हीलचेयर तक रोक रहे हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल में किसी भी प्रकार की प्रचार पर रोक लगाई थी, लेकिन पर्यटक खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला ने भी वहां बता दी कि प्रोडक्ट का प्रचार किया, अपने ब्रांड को रखकर वहां पर फोटो भी लिया और वीडियो भी बनाया, लेकिन उन्हें रोका नहीं गया। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले बता दें कि कायस्थावाड़ा में बने एक मकान में अचानक आग लग गई। कमरे में सो रहे बुजुर्ग दंपति धुएं के चलते बेहोश हो गए, जिन्हें पुलिस ने ना बता दें कि जान पर खेलकर दूसरी मंजिल से सकुशल बाहर निकाला। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर खबर लखीमपुर से है, जहां पर छुट्टा बता दे कि छुट्टा पशुओं से परेशान बता दे कि मजरा। और आपको बता दें कि मौसमपुर के किसानों ने मतौली तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि लोग रात रात जाकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं, फिर भी छुट्टा पशुओं के झुंड के पहुंचकर चंद मिनटों में ही फसलों को चट कर दिया गया है। इससे परेशान किसानों ने 20 मई को तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करके ज्ञापन दे दिया, जिस पर एक सप्ताह में कार्रवाई का भरोसा दिया गया, लेकिन दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी कार्रवाई ना होने से नाराज किसानों ने शनिवार को फिर से तहसील प्रदर्शन किया। समस्या का निस्तारण के लिए SDM विनीत उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग आए थे आवारा पशुओं के लिए एप्लीकेशन देने के लिए, तो हमारे BDO साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन के अंदर आपके गांव के सभी आवारा पशु पकड़ लिए जाएंगे। जो हिंसक पशु हैं वो आहत हमारे ग्रामीणों को बहुत पहुंचा रहे हैं, इसीलिए हम लोग दोबारा आ जाए हैं प्रार्थना पत्र देने के लिए। लेकिन हमारे उच्च अधिकारी किसी को रसीद बनवाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन हमने जबरन अपनी रसीद बनवाई है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।